हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर, और आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटी होम रेमेडी। तो हमेशा की तरह आज की रेमेडी भी जो है वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से मैं आप लोगों को बनाना सिखाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आप अपने स्किन पर कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, जहां भी आपकी स्किन अनइवन है वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो मिलेगा। और ये रेमेडी जो है बहुत ही इजीली बन जाएगी, जैसे कि मेरी हर रेमेडी होती है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड अगर भी जो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के होम रेमेडी को हम बनाना सीख लेते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो देख सकते हैं आप, मैंने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर निकाल कर रख ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ग्राम फ्लावर की, यानी कि बेसन। दूसरा आपको चाहिए यहाँ पर कच्चा मिल्क, यहाँ पे मैंने रॉ मिल्क लिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसके लिए कच्चा मिल्क ही लेना है। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर टमाटर की, जो हमने टमाटो होता है उसका जो पल्प होता है वो अब मैंने यहाँ पे निकाल कर रख लिया है। और इसके बाद आपको लगभग 1 चम्मच ज़रूरत पड़ेगी नींबू के रस की। तो बस इन 4 इंग्रेडिएंट से हमारी आज की जो होम रेमेडी है वो तैयार होने वाली है। तो चलिए आइए इसे बना लेते हैं। आप लिए इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे बेसन, ठीक है। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उतना ले लीजिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कच्चा दूध, देन मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ थोड़ा सा ये नींबू का रस। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी ये टमाटर का जो पल्प है, ठीक है, इसे देन इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आज का जो ये मिक्सचर है वो बनकर रेडी है। तो आज मैं इसे अपने हाथ पर भी इसे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो मैं इसे अब चलिए आप लोगों को लगा कर भी दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो हमारी रेमेडी है वो बनकर तैयार है, और ये पूरी तरह से नेचुरल है, ठीक है। कोई भी केमिकल जैसा कि आपने देखा मैंने इसमें नहीं डाला है। वो बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, उन्हीं 4 चीज़ों से मैंने इसे बहुत ही जल्दी फटाफट से बना लिया है। तो अब मैं इसे अपने हाथ पर भी आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा अपने हैंड पर, जहाँ भी आप इसे अपने चेहरे पर या कहीं भी लगाना चाहते हैं, मैं आप लोगों को इसे अपने हाथ पर लगा कर दिखा देती हूँ। एंड इस तरीके से आपको इसे लगा लेना है अपने पूरे हाथ पर या फिर स्किन पर, जहाँ भी आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो पूरे स्किन पर आप इसे अच्छे तरीके से लगा लीजिए, ये देखिए इस तरीके से आपको इसे इस तरीके से थोड़ा सा लगा लेना है पूरे हैंड पर। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे, और आप चाहे तो और भी लगा लीजिए, मैंने थोड़ा सा भी आप लोगों को जस्ट एक ट्रायल करके दिखाया है। इस तरीके से आपको अपने हैंड पर इसे लगा लेना है, और एटलीस्ट 20 मिनट के लिए इसे आप लगा कर रखें, जब तक कि ये मिक्सचर जो है अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। जब ये 20 मिनट के बाद जब ये मिक्सचर जो है ड्राई हो जाएगा, आपको इसे नॉर्मल नॉर्मल पानी जो होता है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसी नॉर्मल पानी से इसे हमें धो लेना है। तो मैं इसे धो लेती हूँ, ठीक है। तो 20 मिनट अभी नहीं हुए, 20 मिनट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कीजिए, इसका रिज़ल्ट आप लोगों को तुरंत ही देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, अब मैं जा रही हूँ इसे थोड़ी देर लगा कर रखूँगी, और 20 मिनट बाद मैं भी इसे साफ़ कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये मिक्सचर को बनाकर तैयार कर लेना है। तो आज के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही।
ठीक है। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो मिल रहा है कि नहीं। एंड अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि मैं इस मिक्सचर को खुद भी काफ़ी समय से ट्राई कर रही हूँ। मैं अपने चेहरे पर जो भी लगाती हूँ वो ये देख सकते हैं, वो मैं खुद ही बनाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसको थोड़ी देर ड्राई करने के बाद मैं अपने हैंड को वॉश कर लूँगी। तो आज के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।